मेरे प्यारे साथियों, आज के इस सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL में जो सुपरवाइजर ट्रेनी रिक्रूटमेंट के बारे में, जो सुपरवाइजर की पोस्ट की जगह निकली हुई है BHEL में, उसके बारे में हम बात करेंगे कि इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे, इसकी डेट कब से स्टार्ट होगी, इसकी क्लोज डेट कब होगी, इसमें पेमेंट कितनी मिलेगी, क्या ये परमानेंट नौकरी है, और BHEL कैसी कंपनी है, ये अच्छी कंपनी है या बुरी कंपनी है, इसमें सिलेक्शन कैसे होगा, हमें क्या पढ़ाई करना पड़ेगी, तो ये सारे तमाम सारे क्वेश्चन हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हम बताएंगे। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि आप इसकी तैयारी कैसे करें, फॉर्म कब भरें, तो तमाम सारी बातें हम आज करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और हम ज़्यादा अच्छे से इसलिए बता सकते हैं क्योंकि हम भी BHEL में जॉब करते हैं, इसलिए आपको BHEL के बारे में बहुत अच्छा बता सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति BHEL में होगा वही BHEL की सारी चीज़ों के बारे में बता सकता है, अच्छाई भी और बुराई भी। तो हम सारी बातें आपको बताएंगे। सबसे पहले तो हम बता देते हैं जो ये BHEL होता है, ये BHEL इसका फुल फॉर्म होता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। अब ये महारत्न कंपनी होती है, हैवी प्रोडक्शन इससे किया जाता है, बड़े बड़े ट्रेन के इंजन, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर, बड़े बड़े टर्बाइन, हाइड्रो टर्बाइन, न्यूक्लियर टर्बाइन सब बनाए जाते हैं। अब इसमें जो पोस्ट है वो है सुपरवाइजर ट्रेनी रिक्रूटमेंट, यानी ये हमारी सुपरवाइजर की पोस्ट है। और ये जो इसमें ये ट्रेनी लिखा हुआ है, तो कुछ लोग इसको समझ रहे होंगे कि ये ट्रेनिंग है। दोस्तों, जब भी कोई BHEL वैकेंसी निकालता है तो उसमें ट्रेनी ही लिखा जाता है, लेकिन ये परमानेंट जॉब होती है, इसमें एक साल की ट्रेनिंग चलती है, ये 100% परमानेंट जॉब है। दोस्तों, इसको ट्रेनिंग मत समझिए, इसमें परमानेंट आपको नौकरी मिलेगी और कोई आपको निकालेगा नहीं। हम चलते हैं आगे, देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए ये लिखा, विल इनवाइट ब्राइट द डायनेमिक यंग कैंडिडेट टू ज्वाइन अस एज सुपरवाइजर ट्रेनी, यानी सुपरवाइजर में आप ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर डिटेल्स लॉग ऑन BHEL रिक्रूटमेंट वेबसाइट, यानी हम कैसे इसको फॉर्म को भरेंगे, अभी मैंने बताया था कि हम कैसे फॉर्म को अप्लाई करें, तो वो चीज़ मैं बता रहा हूँ। व्हील रिक्रूटमेंट वेबसाइट, अब व्हील रिक्रूटमेंट वेबसाइट क्या है, देखिए ये लिखी हुई है http://careerwhale.in पर हमें जाना है। और देखिए ये जो वैकेंसी हमारी निकली है वो 21 अक्टूबर 2023, यानी आज ही ये वैकेंसी अपलोड हो गई है। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं। देखिए इसमें ये जो पोस्ट है, फॉर BHEL सुपरवाइजर ट्रेनी मैकेनिकल, मैकेनिकल की पोस्ट है इसमें, क्योंकि देखिए मैकेनिकल ब्रांच की BHEL में बहुत सारी डिमांड रहती है। इसके बाद हमें सिविल चाहिए, क्योंकि सिविल में कई डैम पर जो टरबाइन वगैरह लगाए जाते हैं, तो सिविल की भी ज़रूरत पड़ती है। एंड सुपरवाइजर ट्रेनिंग फॉर HR, यानी HR जो ह्यूमन रिसोर्स वाला डिपार्टमेंट होता है, जिसमें जो भी हमारे एम्प्लॉय होते हैं उनके जो नियम कानून होते हैं वो ह्यूमन रिसोर्स वाला रहता है। सभी जितने भी कारखाने होते हैं सब में ह्यूमन रिसोर्स का एक डिपार्टमेंट होता है, जिसे हम HR डिपार्टमेंट कहते हैं। अब इसमें चलते हैं आगे, कैसे क्या है। कैंडिडेट इंटरेस्टेड फॉर ज्वाइनिंग, यानी जो भी BHEL की ज्वाइनिंग के लिए इंटरेस्टेड हो सुपरवाइजर ट्रेनिंग के तौर पर, अब भैया इसमें इंटरेस्टेड की बात हो रही है तो मैं अपने दिल से बताऊं कि BHEL कौन व्यक्ति ऐसा है जो BHEL को ज्वाइन करना ना चाहे, क्योंकि BHEL इतनी बड़ी कंपनी है जो हमें स्वास्थ्य से लेके, घर से लेके, मेडिकल सारी सुविधाएं और बहुत अच्छी पेमेंट देती है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। BHEL नंबर एक की कंपनी हम कह सकते हैं, यानी BHEL से अच्छी केवल मैं एक ही कंपनी कहूँगा, वो NTPC है, अन्यथा BHEL को मैं 99% नंबर दूंगा। तो BHEL के ज्वाइन करने के लिए वैसे मेरे हिसाब से सभी इंटरेस्टेड होंगे। विल वी अप्लाई, देखिए विल वी अप्लाई ऑनलाइन एट BHEL रिक्रूटमेंट वेबसाइट, मैंने ऊपर बता दी थी, इधर भी मैं बता देता हूँ। देखिए ये है http://careerwhale.in, आफ्टर कन्फर्मिंग द एलिजिबिलिटी एज पर द डिटेल्स ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट एंड अपीयर फॉर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, यानी इसमें एक CVT एग्जाम होगा जिसमें डिप्लोमा की जो सिलेबस होता है वो पूछा जाएगा। जैसे डिप्लोमा आप मैकेनिकल से हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और अगर यदि आप सिविल से हैं तो सिविल के क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें आते हैं क्योंकि जो डिप्लोमा होता है पॉलीटेक्निक होती है वो काफ़ी अच्छा एक प्रकार की पढ़ाई होती है। HR वाले में HR के क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। तो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और उसकी डेट आपको आपके ईमेल आईडी पर, आपके फ़ोन नंबर पर मैसेज के थ्रू आपको बताई जाएगी BHEL के पोर्टल के द्वारा। और यदि आपको बीच बीच में चेक करना है तो आपका एक एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा जब आप फॉर्म भरेंगे, तो इस एक्नॉलेजमेंट नंबर पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड के द्वारा आप अपना समय समय पर देख सकते हो कि एग्ज़ाम BHEL का आ गया या नहीं आया है। हम बढ़ते हैं कि कौन सी पोस्ट कितनी है, तो ये सभी लिखी हुई है। देखिए
BHEL पावर सेक्टर। अब ये पावर सेक्टर देखिए, ये BHEL पावर सेक्टर लिखा हुआ है तो आप लोग समझ रहे होंगे कि भाई पोस्टिंग कहाँ होगी। तो भैया जो पावर सेक्टर होता है वो हम जगह जगह पर BHEL जो है, अब मैंने हम बोल दिया है तो हम मतलब हम BHEL में, इसलिए मैं हम बोल गया है। तो BHEL जो होती है अलग अलग साइडों पर पावर पावर के जो हमारे प्लांट होते हैं वो लगाती है, जैसे पारीछा पावर प्लांट है, पनिकी पावर प्लांट है, जैसे ओबरा अनपरा पावर प्लांट है। तो यह पावर प्लांट जो होते हैं वहाँ पर हम बिजली को जनरेट करने वाले पावर प्लांट बनाते हैं। तो उन पावर प्लांट को जो BHEL को ऑर्डर मिलेगा वहाँ साइड में आपको जाना पड़ेगा और साइड में आपको ये बिजली के जो हमारे प्लांट लग रहे हैं BHEL के, वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ये पावर प्लांट होते हैं वहाँ पर, देखिए सिविल की कितनी पोस्ट है, सिविल की 14 पोस्ट है इसमें, और इसमें देखिए मैकेनिकल जो है इसमें मैकेनिकल की 13 पोस्ट है और HR की वो 2 पोस्ट है। ये पावर सेक्टर की बात हो गई, इसमें अलग अलग बटी हुई EWS, OBC, SC, ST तो ये सारी बटी हुई हैं। देखिए इसमें जनरल की 14 थी, EWS की 3 है, OBC की 8 है, SC की 3 है, ST की 2 है, टोटल मिला के कितनी है, टोटल 30 पोस्ट है, और मैकेनिकल की 30 पोस्ट है और HR की 5 पोस्ट है। ये पावर सेक्टर वाली बात मैंने टोटल बता दी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए कॉर्पोरेट ऑफिस जो होता है हमारा BHEL का, कॉर्पोरेट ऑफिस जो है दिल्ली में है, तो कॉर्पोरेट ऑफिस में तो HR ही रहता है क्योंकि सारा ऑफिस वर्क होता है तो HR की है। तो इसमें टोटल कितनी पोस्ट है, 5 पोस्ट हैं, ये आप देख लेना इस टेबल से पूरा। इसके बाद भोपाल में हमारा BHEL है, तो BHEL भोपाल में HR की जो है एक ही पोस्ट है, इसमें HR की एक ही पोस्ट है, जनरल कैटेगरी में टोटल एक पोस्ट है। इसके बाद हैदराबाद है, हैदराबाद में भी HR की एक पोस्ट है। इसके बाद तिरुची में है जो HR की एक पोस्ट है। इसके बाद हरिद्वार है जो है, हरिद्वार में भी HR की एक पोस्ट है, पोस्ट झांसी में है, तो झांसी की पोस्ट है HR की। लेकिन इसमें देखिए ये लिखा हुआ है कौन से लोग झांसी का भर सकते हैं, तो इसमें देखिए रिजर्व्ड ओनली फॉर एक्स सर्विस मैन, यानी जो आर्मी वाले हैं उन्हीं के लिए पोस्ट है और किसी के लिए पोस्ट नहीं है। इसके बाद देखिए टोटल कितनी पोस्ट है, टोटल देखिए इसमें टोटल मिला के 75 पोस्ट है। कितनी पोस्ट है, 75 पोस्ट है। अब इसमें नीचे जो लिखा गया है ये भी मैं पढ़ देता हूँ, इसमें कितनी क्या पोस्ट हैं। दीज वैकेंसी आर रिजर्व फॉर PWD, यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए 14.5%, यानी जो विकलांग होते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए 14.5% जो है कोटा है। इसके बाद इसमें देख लेते हैं दीज वैकेंसी सेल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट, ठीक है ना, इसमें लिखा दीज वैकेंसी सेल बी रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट। इसके बाद सुपरवाइजर ट्रेनी मैकेनिकल, सुपरवाइजर ट्रेनी सिविल विल बी रिक्वायर्ड फॉर द सर्व द प्रोजेक्ट साइड फॉर पीरियड ऑफ द एटलीस्ट द 10 ईयर्स, यानी कि इसमें देखिए इसमें 10 ईयर्स लिखा प्रोजेक्ट साइड का पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, यानी आपको साइड में जाना पड़ेगा 10 साल तक। इसके बाद है देखिए अपर एज लिमिट फॉर दीज वैकेंसी 27 ईयर्स, यानी जो अपर एज लिमिट है नॉर्मल के लिए वो 27 ईयर रखी गई है 1/10/2023 तक। तो इसको आप पढ़ लेना और अच्छे से थोड़ा सा, मैं इसकी जो है इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब इसको कहाँ से कैसे भर सकते हैं, देखिए ओपनिंग ऑफ BHEL रिक्रूटमेंट वेबसाइट पर आप कब से भर सकते हो, तो डेट लिखी गई है 25 अक्टूबर से आप भर सकते हैं, और क्लोज कब हो जाएगी, तो क्लोज हो जाएगी 15 नवंबर 2023। तो ये आपको BHEL में वैकेंसी का बहुत बड़ा मौका। अब मैं आपको बता देता हूँ कि BHEL कंपनी कैसी है, तो मैं अपने अगर उससे बताऊँ तो BHEL बहुत अच्छी कंपनी है, और इसकी सैलरी की बात करूं तो इसको आपको शुरू में लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, 60 हज़ार रुपये से कम नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, और जब 2-3 साल की आपकी नौकरी हो जाएगी तो आपको 1 लाख के ऊपर पेमेंट पर मंथ पेमेंट मिल सकता है। तो दोस्तों ये वैकेंसी आप ना छोड़ें, बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, और आप आएँ और हमारे BHEL का हिस्सा बन जाएँ, ठीक है। तो और कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं और हम आपको बता देंगे जो भी जानकारी होगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भील, जय भारत।